सामाजिक संस्था सुन्नी वेलफेयर कमेटी और अंजुमन जश्ने ईद मिलादुन्नबी कमेटी ने बड़वाली चौकी मोहम्मदी बिल्डिंग पर एक हेल्प कैंप का आयोजन किया। इस हेल्प कैंप में सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन को पहुंचाने के मकसद से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अलग अलग हेल्प डेस्क लगाई, साथ ही स्वास्थ्य प्रशिक्षण भी लगाया। अब रोजाना डॉक्टरों की टीम यहाँ पर अपनी सेवाएं मात्र 10 रुपए में देंगी। सुन्नी वेलफेयर कमेटी के प्रवक्ता अनीस कादरी ने बताया कि सामाजिक संस्था का उद्देश्य आम जन को सरकार और समिति की तरफ से जो भी लाभ मिल सके वो पहुंचाना है। इसी के चलते हेल्प कैंप लगाया गया, जिसमें आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड संबंधी सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन भी किया, जिसमें क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य का प्रशिक्षण किया गया और उन्हें डॉक्टरों ने सेवाएं प्रदान की। बड़वाली चुकी के आसपास के क्षेत्र के बड़ी संख्या में जरूरतमंदों ने इस हेल्थ कैंप में शिरकत की। इस कैंप में मुफ्ती मालवा नूरुल हक नूरी, क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक संजय शुक्ला, वार्ड पार्षद अनवर कादरी, अंजुमन जश्ने ईद मिलादुन्नबी कमेटी के मोहम्मद शेर अफगान शेरू पठान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुसर्रत की बात है कि अंजुमन जश्ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सुन्नी वेलफेयर कमेटी की मुश्तरका कोशिशों से यहाँ पर शिफा मेडिकल का कैंप का यहाँ पर आगाज़ हुआ है। बहुत ही मुसर्रत की बात है कि अब जो है इस इलाके में इस तरह का कोई मरकज़ नहीं था, कैंप लगाकर इन्होंने इस काम का आगाज़ किया है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा ये मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर दवाखाना खोला जाएगा और लोगों की परेशानियाँ दूर होंगी। सेहत का इंतज़ाम जो लोगों ने, हमारे रजाकारों ने, मैंने देखा यहाँ पर किस तरह से मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ काम कर रहे थे। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आइंदा चलकर ये बहुत बड़ा मरकज़ बन जाएगा और हमारी इस इलाके की जो कमी है वो कमी दूर हो जाएगी। ये इंतज़ाम रोज़ाना किया जाएगा, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। सिर्फ 10 रुपये में डॉक्टर मुआयना भी करेंगे और दवाई भी, 2 दिन की दवाई भी दी जाएगी। ऐसी सहूलत जो है दूसरे इलाकों में भी वेलफेयर कमेटी की तरफ से जारी है और यहाँ पर भी इसका आगाज़ किया जाएगा। क्या जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे इस इलाके के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा और जो परेशानियाँ होती हैं इधर उधर जाने में वो परेशानियाँ ख़त्म होंगी। आपका नाम बता दीजिए। मैं मोहम्मद नूरुल हक नूरी, मुफ्ती मालवा, इंदौर।